अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों और मेरे काबिले कदर व्यूवर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जमात चहरुम का सबक नंबर 6, बहुत खूब। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है सब में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत खूब। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। तो बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि पहले ज़माने में जो बादशाह होते थे वो अपनी रियाया को, लोगों को अच्छे काम करने पर या उनसे खुश होकर वो उन्हें इनाम से नवाजते थे। उस इनाम में वो उन्हें सोने, चांदी, अशरफिया, जवाहरात वग़ैरह देते थे। और यहाँ पर इस सबक में भी बादशाह ने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि मैं किसी बात को सुनकर बहुत खूब कहूँ तो 1000 रुपये की थैली इनाम में देना। तो बच्चों, मुसाहिब यानी क्या है? जो लोग बादशाह के साथ रहते हैं उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं मुसाहिब। एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फ़िक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब इन पर फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक ज़िंदा रहेगा? तो एक मर्तबा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था, तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा? बूढ़े बागबान को पौधे लगाता हुआ देखा। तो बादशाह ने मुसाहिब से क्या कहा कि देखो, ये बागबान को अभी भी कमाने की फ़िक्र है। आपको तो पता है कि पौधे लगाने के बाद दरख्त बनने में बरसों लग जाते हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन पर फल आएंगे, बरसों बाद फल आएंगे और वो इनके फल खाने तक ज़िंदा रहेगा। बादशाह की बात सुनकर मुसाहिब ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? अब बादशाह ने अपने मुसाहिब से कहा कि उस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो ताकि हम उससे पूछे कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है, कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और ज़िंदा रहूँगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। जब तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुज़ुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ, अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। तो बादशाह ने बागबान से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो बागबान ने क्या कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। तो बादशाह ने कहा कि अब तुम कितना जियोगे, यानी कि अब तुम्हारी जो उम्र बची है 2-3 साल, 4 साल, जो भी तुम्हारी उम्र बची है, तो तुम क्यों ये बेकार मेहनत कर रहे हो? तो बागबान ने क्या कहा कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत बेकार नहीं करता। यानी बच्चों, हमें भी मेहनत करना चाहिए, अल्लाह ताला हमारी मेहनत भी बेकार नहीं करता। तो बागबान ने जवाब दिया कि ये जो दरख्त है इन्हें मेरे बुज़ुर्गों ने लगाया था, उनके फल मैं खा रहा हूँ, और अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बादशाह की ज़बान से बहुत खूब निकला तो
तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फौरन 1000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ, हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। चूँकि बादशाह ने अपने मुसाहिब से पहले ही कह रखा था कि अगर मुझे कोई बात पसंद आई या मैं बहुत खूब कहूँ तो 1000 रुपये की थैली इनाम में देना। तो बागबान की बात बादशाह को बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने बहुत खूब कहा था, तो मुसाहिब ने फौरन 1000 रुपये की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर, मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह को बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने इसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज की, हुजूर, मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि 2 बार उसने बहुत खूब कह दिया। मुसाहिब ने इस बार 2 थैलियाँ उसे थमा दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियाँ भी ले ली और बोला, हुजूर, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आँखों से देख ली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बागबान की बात बादशाह को इतनी पसंद आई कि उसने 2 मरतबा बहुत खूब कह दिया। तो फौरन मुसाहिब ने 2 थैलियाँ बागबान को दी। तो बागबान ने उन थैलियों को लेकर सर झुकाकर कहा कि हुजूर, मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी थी कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उस मुल्क वो मुल्क पूरा खुशहाल हो जाता है, लेकिन आज मैंने ये बात अपनी आँखों से देख ली। तो बादशाह ने बागबान की इस बात पर 3 मरतबा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब कह दिया, यानी कि बादशाह को बागबान की ये बात भी बहुत पसंद आई। बादशाह बूढ़े के इस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी ज़बान से बहुत खूब निकल पड़ा। उसने बागबान से कहा, बड़े मियाँ, अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बागबान ने अर्ज़ किया, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दे ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया, जगह जगह कुएं खुदवाए गए, मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बादशाह बूढ़े के जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार बादशाह ने बहुत खूब कह दिया और बागबान से कहा कि अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो बागबान ने भी अर्ज़ किया कि हुजूर, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरा मुँह मांगा इनाम इस तरह से दीजिए कि आप पानी का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि जो किसान हैं और जो बागबान हैं उनको राहत मिले। तो बादशाह ने क्या किया, पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दिया और कुछ ही दिनों में नहरों का जाल सा बिछ गया और कुएँ खुदवाए गए, मतलब पानी का अच्छे से इंतज़ाम किया गया और मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की करना। तो बच्चों, इस सबक से हमें सीख मिलती है कि हमें भी हमारे अतराफ में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए और हमारे माहौल को अच्छा और साफ़ सुथरा रखना चाहिए और आलूदगी से बचाना चाहिए। तो बच्चों, ये था सबक बहुत खूब और उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको बहुत खूब ही लगा होगा। तो चलिए देखते हैं इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। मुसाहिब यानी बादशाह के साथ रहने वाला, मैंने सबक में भी इसके मानी आपको बताए थे। बेसाख्ता यानी फौरन। बागबान यानी फलों की काश करने वाला। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना यानी बहुत तरक्की करना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अल्फाज मानी भी समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके देखिए, सबक को याद कीजिए, अल्फाज मानी को भी याद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।